हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल सेफ्टी प्रोफेशनल काशिफ को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, सेफ्टी से रिलेटेड जानकारी के लिए, और बेल आइकन को क्लिक करके हमारे लेटेस्ट वीडियो के बारे में अपडेट जानें। हेलो दोस्तों, टुडे टॉपिक, आज का अपना टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ वायर रोप स्लिंग। वायर रोप स्लिंग जो होता है, जिससे हम मटेरियल की हैंडलिंग करते हैं, उसका हम सेफ वर्कलोड के कैलकुलेशन के बारे में आज हम बात करेंगे कि उसका हम सेफ वर्कलोड कैसे निकालेंगे, कैसे पता चलेगा कि हम इस वायर रोप से कितने टन का मटेरियल हम उठा सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। ये हम वायर रोप स्लिंग देख रहे हैं, यही वायर रोप स्लिंग है जिससे हम मटेरियल की हैंडलिंग करते हैं। तो ये 12 mm का है, इसका जो डायमीटर है, इसका थिकनेस, ये गोलाई जो है वो 12 mm का है। तो 12 mm के वायर रोप स्लिंग से हम कितने टन का मटेरियल उठाएंगे, तो हम देखते हैं कितने टन का मटेरियल हम उठा सकते हैं। अभी हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, फिर हमको पता चलेगा कि इसका सेफ वर्कलोड कितना होता है। फ्लेक्सिबल स्टील वायर रोप, FSWR इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं। तो हम देख रहे हैं इसका कैलकुलेशन जो अभी हम करेंगे, कैसे हम करते हैं। टू कैलकुलेट द SWL सेफ वर्कलोड इन किलोग्राम्स ऑफ FSWR फ्लेक्सिबल स्टील वायर रोप, स्क्वायर द रोप डायमीटर mm एंड मल्टीपल बाई 8। जो डायमीटर है फ्लेक्सिबल वायर रोप स्लिंग का, उसका हम स्क्वायर करके मल्टीपल 8 करेंगे, मतलब 8 से हम उसको गुना करेंगे। पहले स्क्वायर कर देंगे उसका, जैसे 12 mm का हम आपको दिखाएं तो 12 mm का हम उसको स्क्वायर करेंगे, फिर 8 से हम मल्टीपल कर देंगे। यहाँ पे हम एक फॉर्मूला देख रहे हैं, सेफ वर्कलोड kg, मतलब जो इसका सेफ वर्कलोड हम केजी में निकालेंगे, उसका फॉर्मूला जो होता है डाया स्क्वायर mm मल्टीपल 8, मतलब 8 से हम उसके में गुना करेंगे। तो रोप डायमीटर डी इक्वल टू 12 mm, मतलब रोप का डायमीटर जो 12 mm है, तो सेफ वर्कलोड हम केजी में निकालेंगे तो डाया स्क्वायर गुने 8, तो डाया स्क्वायर का डी मल्टीपल डी हो जाएगा, डाया गुने 8, तो 12 गुने 8। तो यहाँ पर 12 गुने 8 किए तो 1152 kg हुआ, 1152 kg। तो 1152 kg जो हुआ उसको हम टन में अभी हम कर देते हैं, सेफ वर्कलोड टन में हम कर देते हैं। ये केजी में हुआ तो हम टन में किए तो 1.15 टन आ गया। तो 1 टन और 150 kg, मान लीजिए 1 टन और 150 kg तो हम इसका उठा सकते हैं। तो पहले ये केजी में निकला था, उसको हम टन में कन्वर्ट कर दिए, मतलब 1000 kg का जो होता है, 1000 kg का 1 टन होता है, तो 1152 kg हुआ। तो यहाँ पर 1 टन और 152 kg हम सामान इससे उठा सकते हैं, कोई भी एकदम अच्छे से सेफ वर्कलोड इसका 1.15 टन आया। तो अभी आपको पता चल गया हो किस तरह से हम इसका सेफ वर्कलोड निकालते हैं। अगर ऐसे करके आप कोई भी मटेरियल को उठाएंगे तो एक्सीडेंट होने का बहुत कम चांस रहता है, इससे आपका काम आसान भी हो जाएगा और अच्छे तरीके से हो जाएगा, इससे कोई एक्सीडेंट भी नहीं होगा।